Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of physical education and sports science. My dear students, this is our 7th class. We have already completed 6th. In this class we will do continue Rajasthan PTI paper 1 for 2011 for grade 3, right? So we will do some questions over here. We have already know that ki hum per day jo hai wo 10 questions karte hain isme paper 1 ke. इसकी दो क्लास और होंगी, फिर उसके बाद में ये पेपर जो है आपका पूरा खत्म हो जाएगा. देन वी विल मूव ऑन टू द पेपर नंबर 2. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट क्वेश्चन इज टुडे, देवड़ा वाटी इज द डायलैक्ट ऑफ विच रीजन? इट्स रिलेटेड टू सिरोही रीजन, उदयपुर रीजन, अलवर रीजन और जयपुर रीजन. बेसिकली देवड़ा वाटी काफी फेमस लैंग्वेज है, एक बोली है जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है, राइट? तो उसको आपने बताना है कि ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर रीजन में बोली जाती है, अलवर रीजन में बोली जाती है या फिर जयपुर रीजन में इसका बोलने में इस्तेमाल किया जाता है, राइट? तो सिंपली इसको किस रीजन में बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिरोही रीजन में. तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा. अब हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, और कुछ बेसिक बोलियां हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बोली जाती हैं. अदर बोलीज की बात करें हम लोग तो मारवाड़ी जो है एक बोली है जो जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मरु भाषा के नाम से, ठीक है? तो मारवाड़ी को आप याद रखेंगे कि मारवाड़ी को मरु भाषा के दूसरे नाम से भी जाना जाता है. अगर इसके साहित्यिक रूप की बात करें तो इसको डिंगल नाम से जाना जाता है. अच्छा, इसकी कुछ उप बोलियां भी हैं जो है देवड़ा वाटी और गौड़ वाटी. दूसरी बोली की बात करें, मेवाड़ी जो है ये उदयपुर रीजन में काफी ज्यादा बोली जाती है, बागड़ी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है, शेखावाटी जो है वो शेखावाटी रीजन, अगर आपको याद हो जब आप पिछली क्लास में बात कर रहे थे सेकंड क्लास में, तो सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि शेखावाटी क्या है, एक रीजनल एरिया है और उस रीजन में क्या क्या आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ठीक है? तो जो शेखावाटी बोली है वो आपकी शेखावाटी रीजन में बोली जाती है, मतलब सीकर, झुंझुनू या चूरू में से कोई भी आंसर आपको मिलता है तो यू विल गो विद दैट वन. अहिरवाटी बोली की बात करें तो इसको हास्यवाटी भी बोला जाता है, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? हीरावाटी भी बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका. इसे अलवर रीजन में खूब बोला जाता है. देन गौड़वाटी लैंग्वेज की बात करें तो जालौर में बोली जाती है ये. डूंडाड़ी की बात करोगे आप तो जयपुर और किशनगढ़ में इसकी बोलवाला, अजमेर, टोंक और लावा रीजन में इसको बोला जाता है. लास्ट इंपॉर्टेंट बोली की बात करें तो तोरावाटी जो है झुंझुनू और सीकर रीजन की प्रमुख बोलियां हैं, राइट? अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ छतरी आर्किटेक्चर? अच्छा, छतरी आर्किटेक्चर है क्या? ये डोम शेप आर्किटेक्चर होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी आर्किटेक्चर बना रहे हो, उसमें अगर इस तरह का आर्किटेक्चर रहे आपका, ठीक है? जैसे मुस्लिम्स आर्किटेक्चर से रिलेटेड आप इसको बोल सकते हो कि मुस्लिम्स में गुंबद टाइप के जो आर्किटेक्चर बनते हैं उनको बेसिकली यहाँ पे दिए गए किस क्षेत्र से रिलेटेड ये गुंबद या छतरी टाइप का आर्किटेक्चर नहीं है. तो ये मंडोर देवल जयपुर, सहेलियां की वाटी, देन गेटोर, फिर उसके बाद है फतेह गुंबद. तो इनमें से कौन सा जो है वो राइट आंसर रहेगा? इसमें से सहेलियों की बाड़ी जो है, जिसका स्ट्रक्चर जो है या आर्किटेक्चर मैनिफेस्टेशन है वो छतरी नुमा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच एरिया इज गुडला त्योहार? गुडला फेस्टिवल जो है वो किस एरिया में मनाया जाता है? तो बेसिकली गुडला त्योहार किस में मनाया जाता है? ये आपका मारवाड़ रीजन में मनाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Who among the following said is not of Rajasthan? नीचे कुछ संत दिए हुए हैं, उनमें से कौन से संत जो है वो राजस्थान से रिलेटेड नहीं है? संत चरणदास हैं, या फिर संत लालदास हैं, संत रामानंद हैं, या आप संत दरियाब जी हैं? इनमें से आपको टिक करना है कि कौन सा सही आंसर है. तो बेसिकली संत रामानंद जी जो है वो आपके राजस्थान से रिलेटेड संत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग रीजन टू द डायलैक्ट पार्ट ऑफ राजस्थान विद द एरिया ऑफ इट्स प्रेवलेंस. मतलब राजस्थान की कुछ बोलियां दी गई हैं,
और उनसे रिलेटेड प्रचलित क्षेत्र जो है वो उनको दिया हुआ है। अभी हमने पिछले ही दो तीन स्लाइड पहले ही हमने डूडाड़ी की बात की थी, बागड़ी की बात की थी, ठीक है, मेवाती रीजन की बात की थी। थर्ड आंसर इसमें सही हो जाएगा, अजमेर, नागौर और चित्तौड़गढ़ में बागड़ी जो है वो नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है, ये आपका इनकरेक्ट पेयर पूछा हुआ है, राइट। डूडाड़ी जो है जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक में बोली जाती है, हथौड़ी, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ रीजन में बोली जाती है, मेवाती अलवर रीजन में बोली जाती है, भरतपुर में बोली जाती है, करौली में बोली जाती है और धौलगढ़ में इसको प्रमुख रूप से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज नॉट कंपोज्ड बाय महाराणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? संगीत राज है, रसिक प्रिया है, सूंड प्रबंध है या प्रसाद मंडन। इनमें से कौन सा ऐसा रचित ग्रंथ है जो राणा कुंभा ने नहीं लिखा, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा है, प्रसाद मंडन। विच इज द ओल्डेस्ट कंस्ट्यूम वोर्न बाई द आदिवासीज, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला इनमें से प्राचीन वस्त्र जो है वो कौन सा है? तो ये है आपका नांदड़ा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग, कुछ पेयर्स दिए हैं जिनमें आपको टिक करना है। सालेम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है, नाथमल की हवेली जोधपुर में, ब्रह्म मंदिर पुष्कर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाथमल की हवेली जोधपुर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द सब टाइप ऑफ मारवार पेंटिंग, मारवार पेंटिंग का सब टाइप नहीं है, मतलब उपशैली नहीं है। तो इसमें से कौन सा है, ये आपका देवगढ़ शैली जो है वो मारवाड़ पेंटिंग की उपशैली नहीं है, किशनगढ़ शैली, नागौर और बीकानेर जो है वो इसकी सब टाइप्स हैं, सब स्टाइल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पद ऑफ राजस्थान, राजस्थान में काफी सारी प्रचलित पड़े हैं, उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने टिक करनी है, रामदेव जी की पढ़, देवनारायण जी की पढ़, बापू जी की पढ़ और वैसासर की पढ़। तो इसमें से मोस्ट पॉपुलर पढ़ की बात करें तो ये बापू जी की पढ़ है, आंसर नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन वी विल बी कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद एक और क्लास के बाद हम फिजिकल एजुकेशन का जो मेन पेपर है उसको शुरू कर देंगे। आई होप दैट कि इनमें से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, स्पेशली आप जितनी भी चाहे वो नदर्न रीजन की, सदर्न रीजन की, ईस्टर्न या वेस्टर्न रीजन की बोलियां हैं उनको आप पूरी अच्छी तरह से कर लीजिए। खासतौर पर शेखावाटी रीजन जो है वो काफी अच्छा खासा पूछा जाता है, तो शेखावाटी रीजन में चूरू, सीकर और इनको भी बहुत अच्छी तरह से आप अलग से डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।